أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है आप सब बहने खैर ऑफिस से होंगे. अल्लाह सुबहाना व तआला हम सबको आफियत में खैर में भलाई में रखे और उन आमाल की तौफीक अदा कर दें जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, जिससे अल्लाह ताला राजी हो. अल्लाहुम्मा आमीन. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. मुझे उम्मीद है आने से पहले आप सब बहनों ने अपनी नियतों को रिवाइवल किया होगा. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اصلح نيتنا وذرياتنا وزوجنا اللهم آمين. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک آیت نمبر انشاءاللہ 10 کو دیکھیں گے, लेकिन इससे पहले कि आयत की तरफ मूव हो, मुझे उम्मीद है कि आप अपने लेसन भेज रहे होंगे और बहुत अच्छे से भेज रहे होंगे. हिम्मत नहीं हारिए. आप याद रखिए कि इन्ना मअल उसरी यूसरा, हर तंगी के साथ आसानी है. ऐसा नहीं होगा कि आप याद करना शुरू करें और मुश्किलात ना आए. जहां आप याद करेंगे मुश्किलात आएंगी. कभी आपको याद नहीं होगा, कभी हालात आपको पीछे धकेल रहे होंगे. ऐसे मौके पर कुरान मजीद की ये आयत याद रखिएगा, इन्ना मअल उसरी यूसरा, हर तंगी के साथ आसानी है ना. और अपने हिफ्ज़ को कंटिन्यू कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं. ये वो सफ़र है जिस पर आप अल्लाह ताला से अपने लिए अपने प्यारों के लिए इस्तेकामत मांगे. जितना ज़्यादा इस्तेकामत होगी, अल्लाह की दी हुई हिदायत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए काफ़ी हो जाएंगे. तो आप अपने होमवर्क भेजने में देर ना कीजिए. डेली इंशाअल्लाह आपने एक आयत विद ट्रांसलेशन के साथ ग्रुप में डालनी है. चलिए इंशाल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं अपनी लफ्जी तर्जुमे की तरफ. आप सब ने अपने पास मुसहफ खोल लिए होंगे. आयत नंबर 10 को देखिए, इसका तर्जुमा देखते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वक़ालू, और वो कहेंगे, लऊ, अगर कुन्ना होते हम, नस्मऊ, हम सुनते, औ या नाक़िलु, हम समझते, मा ना कुन्ना होते हम, फी अस्हाबिस्सईर, साथियों में से भड़कती आग के. चलिए इंशाल्लाह इसके रेसिटेशन देखते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب
بالسعير. جميل، देखिए आपने साथ साथ किया होगा. चलिए अब क्या इसका देखते हैं कि थोड़ी सी तजवीद. वाकालू का दो एंड लू टू काउंट, दोनों का आपने टू टू काउंट पढ़ना है. लव इसको भी आपने टू काउंट पढ़ना है, जिसको जैसे हम बहुत से लोग कहते हैं ना यो लव, नहीं लव, ठीक है लव फीलो. वाकालू लव खुन औ बउ तउ लव गिलीन है, ठीक है. खुन ना काफ की दम्मा आपने वाजी करनी, ना आपने पहले नून को मुशद्दद को दो को ना होल्ड करना है, फिर ना को स्ट्रेच्ड हो काउंट. नस्माउ नस्माउ, ठीक है मेक श्योर सीन पे विस्लिंग साउंड. नस्माउ औ नाकीलु ना ना, ठीक है नाकीलु. तो मेक श्योर कीजिए कि नून की फतह वाजे करते करते हुए और आपने ऐन को मश करना. इससे पहले औ बाउ तो ये भी लीन है, इसको आपने टू काउंट पढ़ना है. मा कुन ना, मा कितना टू काउंट, कुन ना कुन और ना, ठीक है. इसको देखिएगा नू, पहले नून मुशद्दद को आपने टू काउंट वो करना है और फिर ना को स्ट्रेच करना है. टू फी, अब आप इसको स्ट्रेच करेंगे कितना, इसको आप स्ट्रेच करेंगे फी असहाबिस्सईर. आप इसको फोर काउंट इंशाल्लाह, फोर टू फाइव काउंट, क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रही है ना, इसको फोर टू फाइव काउंट स्ट्रेच करेंगे असहाबी, ठीक है इंशाल्लाह. अस पे आपने स्वाद को हैवी रखना है, अ नहीं करना, अस नहीं, अस अस टू काउंट बिसाइर. मा को सीन से जिसे कहा जाए हिट कीजिए, साइर रॉ को आप लाइट रखिएगा और ये मंजिल आरत सुकून है इंशाल्लाह. फोर काउंट के साथ आप उसको रोकिएगा. फी में जो मद है मदुल जायज मुनफसल, ठीक है. चलिए अब थोड़ा सा आयात को देख लेते हैं और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते क्या अक्ल लगते होते तो दोजखियों में शरीक ना होते. अब देखिए यहाँ पे जहन्नम में जाने की वजह बताई जा रही है, सुनने और समझने से इंकार किया. ये दो टूल्स थे जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिए थे ना, कि जिनके जरिए से हिदायत इंसान के अंदर जाती, लेकिन इंसान अगर इन्हीं दोनों का इंकार करते हूँ, इनको सही इस्तेमाल ना करे, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इनको बनाया था उसका सही इस्तेमाल ना करे, तो देखिए फिर अंजाम क्या होता है ना, कैसे रिग्रेट करेंगे ना हम, ना इसमें जिसे कहा जाए यानी असहाबी सगीर में से ना होते, दोजखियों वालों में से ना होते. अब देखिए गौर से और तवज्जो से सुनते ही नहीं थे और उनकी बातों और नसीहतों को अपने अंदर उतारते नहीं थे ना, इसी तरह अल्लाह के दी हुई अकल से भी सोचने समझने का काम नहीं लेते थे, लिहाजा आज दोजखी वालों में शामिल है. जहन्नमी कैसे इतराफ करेंगे ना कि हमने रुश्त हिदायत के सारे रास्ते खुद ही अपने ऊपर बंद कर लिए थे, हमने अल्लाह की नाजिल करदा आयतों को गौर से सुना ही नहीं और ना अपनी अकल को काम में ला कर उन्हें समझने की कोशिश की और दुनिया में इसी तरह तन तनाते फिरते रहे और गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे कि जैसे हमें मौत ही नहीं आनी और हमें अल्लाह के सामने हाजिर ही नहीं होना. लेकिन इस एतराफ का सोचिए उन्हें कोई फायदा पहुंचेगा कल, और ऐलान कर दिया जाएगा इनके लिए जहन्नुमी अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए, अब इनके लिए कोई खैर नहीं. तो आज अगर मैं और आप एतराफ करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ कर देगा. लेकिन आप सोचिए कि इंसान जो अल्लाह ताला ने उसको सुनने की जो अक्ल की सलाहियत दी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तमाम अपनी क्रिएशन में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए, क्यों? इस अक्ल की वजह से. दुनिया के मामले में हमारी अक्ल बहुत एक्टिव होती है, कोई बिजनेस करें, आप कपड़ों का बिजनेस देखें, हमारा जहन कैसे काम करता है, गौर से बात को सुनते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट है कहाँ पे लॉस है, क्योंकि वो हमारे मतलब का होता है. दुनिया में कोई भी बिजनेस देखें, कोई भी जिसे कहा जाए डील देखे आती है, हम बड़े गौर से देखते हैं कि
उसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि क्या इस डील में हमें फायदा है कि नहीं। अब देखिए कितना टाइम इन चीजों में लगाते हैं ना, और इसी तरह जिसे कहते हैं अपनी अकल को दुनिया के कामों पर लगा लेते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में कुल चांस पे रखा हुआ है। अपनी अकल को सही इस्तेमाल ही नहीं करते और ना ही अल्लाह की बात को गौर से सुनते हैं, तो फिर कैसे हिदायत अंदर जाएगी, कैसे दिल की दुनिया बदलेगी ना। इसीलिए कल वो हसरत से कहेंगे कि हम जिस गुमराही में मुबतला रहे उससे निकलने की तो दो ही सूरतें थी, पहले ये कि हम रसूलों और अहले ईमान की बात सुन लिया करते थे तो ईमान की नेमत मिल जाती, दूसरी ये कि खुद कुछ अकल से काम लिया करते तो तौहीद और रिसालत और आखिरत के अकायद तक आसानी से पहुंच सकते थे। दोनों सूरतों में देखिए जहन्नमियों में शामिल ना होते, मगर हमने क्या किया, अपनी मर्जी की, अपनी आबा अजदाद के तरीके के खिलाफ कोई बात ना सुनी और ना समझने की कोशिश की। आज भी बड़ा मसला क्यों होता है, क्यों नहीं हम मानते जैसे कहते हैं कुरान और सुन्नत को, क्यों? क्योंकि बास औकात ये हमारी अपनी मर्जी के खिलाफ जाता है, और बास औकात हम अपने आबा अजदाद की, अपने फोर फादर्स की अंधी तकलीद करते हैं ना। हमारे लिए जो दलील है वो कुरान और सुन्नत है। अगर आपके आबा अजदाद, आपके पेरेंट्स की बात अल्लाह और उसके रसूल से नहीं टकराएगी, तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो वो, उनकी बात लेने में कोई हर्ज नहीं है। मारूफ के हवाले से वो अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको तकलीद कर सकती हैं, उनकी जिसे कहा जाए उनके साथ अपना हिस्सा डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप जिसे कहा जाए अपनी आपके आबा अजदाद, आपके फोर फादर्स अगर हिदायत पर ना हो, फिर भी जिसे कहा जाए कुरान और सुन्नत की पैरवी ना करें, फिर भी आप उनकी पैरवी करेंगे, अंधी तकलीद करेंगे, तो जब इंसान अपनी यानी कुरान का मैसेज सुनने के बावजूद भी ये कहें कि मैं ना मानूं, यानी मुराद है कि मेरे जो आबा अजदाद करते थे वही सही है, ये तो कोई नई बातें हैं ना, तो फिर ऐसे लोग कभी भी हिदायत नहीं पाते। जब तक दिल का शरह सदर नहीं होगा, खाली जहन के साथ आप इस अल्लाह की आयात को नहीं सुनेंगी, ये आपका जिसे कहा जाए तस्किया नहीं कर सकती। तो होता ही है कि जब लोगों की मर्जी के मुताबिक बात की तो बात को गौर से सुनेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट होता है ना, और जहाँ कोई ऐसे अहकाम होते हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ होते हैं तो उनके कानों पर भूंचाल हो जाता है, वो गौर से बातों को नहीं सुनते, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं ना। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस तरह की मुनाफ़त रखे ना कि जो अपनी मर्जी के अहकाम आते हैं उसको तो मान लेते हैं, लेकिन जो जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो ऐसे मौके पर हम उसका इनकार कर दें, और इनकार करने की वजह एक इंसान का अपना नफ्स जो कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, दूसरा माँ जैसे कहा जब पेरेंट्स की, अबा अजदाद की, फोर फादर की अंधी तकलीफ, ये जो अंधी तकलीद है ना इसका बड़ा नुकसान होना है। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले, अगर फोर फादर्स अगर हिदायत पर है, कुरान और सुन्नत पर है, तो बात लेने में हर्ज नहीं है। ये आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो दलील है वो कुरान और सुन्नत है। इसीलिए बनी इसराइल में क्या फरमाया, मा कुन्ना मुअज्जिबीना हत्ता नबअसा रसूला, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम जब तक रसूल ना भेजते अजाब नहीं करते। काफिर कहेंगे काश हम रसूलों की बातें तवज्जो से सुनते और अपने तई मलामत करेंगे और कहेंगे कि अगर हम में अकल होती तो धोखे में ना पड़े रहते, अपने मालिक और खालिक के साथ कुफर ना करते, ना रसूलों को जुटलाते, ना उनकी ताबेदारी से मुंह मोड़ते। लेकिन कल ये हसरतें कुछ भी इंसान को फायदा नहीं देंगी। आज अगर आप हसरत में रहकर, इंशाल्लाह किसी चीज में अगर आपको हसरत है तो आपको बस इंशाल्लाह टाइम है ना कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप वापस अल्लाह की रहमत से नेकी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कल कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर वो अकली दलाइल सुनकर भी गुमराही से हिदायत, शर से गैर को अलग कर लेते तो आज भड़कती हुई आग की सजावार ना होते, वो उस वक्त नादिम होंगे जब वक्त उनके हाथ से निकल जाएगा। बेवक्त की नदामत कभी फायदा नहीं देती। कहते ना अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कोई फायदा नहीं देगा ना, जिस वक्त टेक केयर करने का टाइम था उस वक्त क्यों नहीं किया। इसीलिए कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फऊलाइकल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम फी जहन्नम खालिदून।
और वो शख्स जिसके पल्ले हल्के होंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। वो जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हैं, उनके चेहरों को आग झुलसा देगी और उसमें वो जबड़े निकालने वाले होंगे। अल्लाह अकबर, क्या मेरी आयत तुम्हें पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी, फिर भी तुमने उन्हें झुठलाते थे। वो कहेंगे ए हमारे रब, कैसे कहेंगे ना, रब्बना अखरजना, ए हमारे रब हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और हम गुमराह लोग थे, ए हमारे रब हमें यहाँ से निकाल, फिर अगर हम दोबारा करें तो बिला शुबा हम ही जालिम होंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला कहेंगे कौल सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, दलील होकर पढ़े रहो और मुझसे बात ना करो, यही ख्वार रहो और अल्लाह ताला से बात ना करो। सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 103 से 108। अल्लाह सुबहाना व ताला मुझे और आपको अपने जो ये दो टूल है सुनने की और अक्ल की, अल्लाह इसको सही इस्तेमाल करके अपनी आखरत को जिसे कहा जाए खूबसूरत बनाने वाला बनाए, और हमें उस दिन की तैयारी के लिए अल्लाह ताला इतनी मोहलत दे कि हम अपनी इसलाह कर सकें और अपने रब को राजी कर सकें, और इन तमाम चीज़ों को जो अल्लाह ने हमें अपनी नियमतों के तौर पर दिया इसका सही इस्तेमाल कर सकें और इस धोखे की ज़िंदगी से निकाल सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.